ये तो चकली को देखो क्या कर रहा है, ए, क्या करता है मन, क्या कर रहा था अभी, क्या कर रहा था बता। गाइस आपको फिर स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल और हम लोग जा रहे हैं चार लोग, देख लिए हम चार लोग हैं और हम लोग चार लोग अभी साइकिल से जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए जंगल का। और आई एम गोइंग टू जंगल फ्रॉम शूटिंग वीडियो, शूट करिंग वीडियो। तो गाइस हम लोग साइकिल राइड करते हुए जा रहे हैं, ये है दुर्गेश और पीछे है आर्यन और मेरे पीछे तो बैठा है अमन, नहीं दिख रहा है कोई नहीं बाद में देख लेता। तो यहाँ से हम लोग कट मार चुके हैं, हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा बादल खोल का जंगल और यहीं से हम लोग रास्ते का शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम निकल पड़े हैं जंगल की ओर और आप लोगों को बता दें कि जब हम जंगल जा रहे हैं वो जंगल का नाम है बादल खोल अभ्यारण्य और ये उसी के अंतर्गत आता है। और जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा जगह होगा वहाँ वहाँ आप लोगों को घुमाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना ताकि हम ऐसी ही आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बना के लाते रहें। हाँ, इस जगह से खेत सब और मैदान सब है उसके लिए यहाँ पे पानी आता है नहर से। तो गाइस ये है इमली का पेड़ और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी। और ये देखो यहाँ पे हाथियों को पर नज़र रखने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है, लेकिन हाथी ही इसको धसका दिया है, उसके लिए पसंद नहीं आया ना ये घर इसलिए। तो गाइस चलो साइकिल को पार्क करते हैं यहाँ मस्त छाँव में, कोई ले ना जाए, बस ताला लगा हुआ है यहाँ तो साइकिल यहीं पे ताला मार के जाएंगे। और फिर अंदर क्या क्या चीज़ है ये देखो, अंदर क्या क्या चीज़ है, अंदर एक कुंडी रखा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पर। साइकिल का तो पहले खड़ा करते हैं ना, कर देंगे कोई ले लू आ जाएगा ले, उसने पैसा घुमाया था वैसे इसको मत घुमा देना जंगल में, पका हुआ है ले तोड़ेंगे जून, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है पता है। गाइस यहाँ पे इमली फरल हुआ है तो यहाँ पे क्या कहेंगे इंग्लिश में तो नहीं, मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन इतना पता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक इमली। और हम लोग चलते चलते जा रहे हैं अभी जंगल की तरफ ब्लॉग बनाते बनाते। और आगे देख लो बहुत ही अच्छा मौसम है और आसमान मस्त खाली है, मस्त साफ सुथरा है और थोड़ा थोड़ा पेड़ है। गाइस जंगल जा रहे हैं लोग और जो दिखेगा आपको हम दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं क्या क्या दिखाना चाहते हो? इमली इमली और इमली, अभी तो आम नहीं फला है। हाँ इधर ही देखेंगे क्या क्या है। हाँ यहाँ पे इमली फला है, आते समय खाते हुए जाएंगे। और टकलू इधर अमन इधर कुछ बोल, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जंगल। जंगल क्या करने? वीडियो बनाने। वीडियो बनाने, बोहरिया खोजने तो जा रहे हैं देखना बोहरिया मिलेगी जंगल के बीचों बीच में। मेरा नाम अमन है। और का कहाँ पे रहता है? नारायणपुर। नारायणपुर का कहाँ पे? कहाँ पे? गंजू टोली में। गंजू टोली में। गंजू टोली में रहता है। गंजू टोली में रहता है। रहता है, अभी टकलू हो गया है मुर्ख सेक रहा था इसलिए। बताओ मेरा नाम आर्यन मींज है, मेरा गांव नारायणपुर है। हाँ। मेरा ब्लॉक कुनकुरी। ब्लॉक कुनकुरी, जिला? जिला जसपुर। जसपुर। मेरा नाम दुर्गा चौहान है। हाँ। मैं नारायणपुर में रहता हूँ और ये लोग जंगल तरफ घूमने जा रहे हैं। जंगल तरफ घूमने जा रहे हैं, चलो दिखाते हैं आगे का सीन। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए यानी कि घूमने के लिए, और मम्मी लोग और दीदी लोग ना पहले पहुंच चुके हैं। मैं सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन अब मैं जा रहा हूं, मन किया वीडियो बना लेने का। तो अब पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं जंगल घूमने के लिए और जंगल में दिखाऊंगा क्या किस हाल में यहां का जंगल है। तो गाइस हम जा रहे हैं, अभी हम लोग रास्ते में हैं और रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर इस तरह के मुश्किल रास्ते हैं जहाँ से हम अभी सफ़र कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सबसे बड़ी नदी की जो कि नारायणपुर में पड़ता है, और यहाँ के लोग बताएंगे कि यहाँ का इतना बड़ा नदी कहाँ से बह के आता है। तो गाइस यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे पूछेंगे कि ये नदी कहाँ से बह के आता है और ये इतना बड़ा नदी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, बताओ। तो गाइस ये नदी आज जो देख रहे हैं, नदी कहाँ से बह के आता है वो तो नहीं पता है। नहीं पता है।
तो गाइस कैसा लगा प्रैंक, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और बड़ा ही मज़ा आया, लेकिन थोड़ा सा बना नहीं, कोई बात नहीं चलता है। यहाँ पे बड़े बड़े वाटर क्रॉसिंग है और छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग सब हैं। ये देखो, अब यहाँ से हम कूद के जाएंगे। कैसे कूदते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं हम और कर भी लिए। चलो चलते हैं अब आगे की ओर। हम लोग कर लिए और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं सामने तरफ। ये देव मम्मी यहाँ पे हैं। तो गाइस ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है छीन जिससे चटाई सब सिला जाता है, और मम्मी यहाँ पे उसी को कलेक्ट कर रही हैं। तो गाइस ये है पुटुस, और ये जो काला काला हो जो पक जाता है ना, ये हरा है अभी। ये देखो ये हरा है, जब ये पक जाता है तब इसको खाते हैं तो मस्त मीठा मीठा लगता है और टेस्टी भी लगता है। गांव इलाके में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है पुटुस, और इसके जो लकड़ी है डंडे हैं इसमें कांटा, छोटा छोटा कांटा पाया जाता है। ये देखो, इसलिए टीचर लोग ना पुटुस छड़ी को मंगाते हैं, क्योंकि उसमें कांटा कांटा लगा होता है ना, जिससे बच्चे लोग डर जाते हैं। ये देखो हमको पका हुआ अभी मिल गया पुटुस, और ये रहा, हम अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस मैं पुटुस अभी तोड़ता हूँ। ये देखो पुटुस, मस्त लगा। तुम नहीं खाओगे है? उसमें पका पका मस्त तोड़ के, मैं बचपन में इसको बहुत खाता था, और क्या करे, खाने के लिए ये फल मिलता था फ्री में वो भी, और खेत किनारे किनारे में मुर्ग रहता है ये, तो इसी तरह से हम तोड़ के बचपन में खाया करते थे। जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ से जो पूरा पूरा जंगल दिख रहा है, यहाँ शुरू होता है बालखोल अभ्यारण्य का जगह, और इसके बाद जंगल ही जंगल है जहाँ पे लोग लकीर बन जाते हैं, और हाथी भी यहाँ पाया जाता है, इसलिए हाथियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में अभी ना फिलहाल में बहुत ज़्यादा हाथी है। गाइस आई एम गो टू जंगल फॉर वीडियो बना के लिए, और क्या कहते हैं लकड़ी काठी और पतई मन के देख के घूरे के लिए अकेले जाती हमें। तो गाइस ये है यहाँ का तेंदूपत्ता, जो कि यहाँ के जो आदिवासी है ना उनको, वो लोग इसको तोड़ तोड़ के बेचते हैं सरकार को, तो सरकार इनको पैसा देती है, और जो तेंदूपत्ता तोड़ते हैं उनके लिए उनके खाते में पैसा भेज देती है। और ये जंगलों में पाया जाता है, छोटे छोटे पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं इसके, और इसका फल भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और यहाँ जसपुर के मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है जब इसका सीज़न आता है तब। अमन डंगरा डंगरा थोड़ी ना, टकलू जो ये देखो, ये है दूसरा वाटर क्रॉसिंग, और टकलू बच गया, अभी गिर जाता है। गाइस ये है जंगल घुसने से पहले वाला वाटर क्रॉसिंग, वो खेत घुसने समय का वाटर क्रॉसिंग था, और ये जंगल घुसने वाला वाटर क्रॉसिंग। तो इस वाटर को पार करके हम पहुंचेंगे, अब पानी तो ठंडा है। हाय पैर बच गया मेरा, नहीं भींगा। चलो सक्सेसफुली वाटर क्रॉसिंग हो गया है, और यहाँ जंगल घुसने से पहले एक मंदिर है जो कि बिना स्ट्रक्चर का बस मूर्ति रखा हुआ है। पता नहीं मूर्ति भी यहाँ पर टूटा हुआ है कि क्या, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये लोग अभी जा रहे थे जंगल, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। कुकुर है, ओए शेरू, ओए शेरू, शेरू भी आया है, देखो तो शेरू। कुछ नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे एक मंदिर है। गाइस ये देखो यहाँ पे जो मूर्ति बना हुआ था, यानी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन हाथी जो है इसको तोड़ दिया था, इसलिए ये पूरा टूटा हुआ है, तीन टुकड़े में टूटा हुआ है। और ये देखिए एक नीचे टुकड़ा पड़ा हुआ है, और ये पड़ा हुआ है। तो गाइस मैं ना इसको वीडियो बनाने के लिए भेजा था, लेकिन ये पता नहीं वीडियो बना रही है कि नहीं, इसलिए देखिए इसलिए मैं खुद आ गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये कंटेंट मिस कर देती है। चलो चलते हैं हम लोग इसको छोड़ो, हम लोग चलते हैं। हमें जाती है अखन जंगल में, जंगल बटे घुसा थी हमें, और रास्ता में एलिफेंट दिखी हले बताओ हमें, और तो मैंने देखवा दे। अच्छा यहीं लोग, मेरे को लगा जो जंगली लोग हैं, जंगली लोग आ रहा है। धीरे से काटना, मतलब दूसरा बनाएगा, दूसरा दिखाएगा हले, धीरे से बंद करना कह रही हूँ, और चालू भी करना धीरे से, छोड़ना धीरे से और चालू करना थोड़ा धीरे से। इसके दिन बता रही थी मैं, आजकल के लोग धीरे धीरे को नहीं देखते हैं, नहीं छोड़ देते हैं वीडियो, इसलिए ओ उसको सुबह देखी उसको तो, इसलिए फास्ट किया था, गेप को मैं काट दिया था, इसलिए फास्ट लगा। गन छोप दिया और गन छोप दिया। गाइस मैं मेरे को खुद को अभी अभी पता चला कि मैं वीडियो को छोपता हूँ, काटता नहीं छोपता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं वीडियो को छोपने भी सीख गया हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं सीख गया, और
हमें जा थी अखन जंगल बटे देखे थी कागा भेटा ही हमें जंगल बटे हले। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और ये देखिए किस तरह का रास्ता है यहाँ जंगल जाने का। और हाथी हाथी यार ये हाथी का खसरल हुआ है बाबा। अभी आदमी लोग चले इसलिए आदमी लोग चिन्ह है ना। और बता दो गाइस बारी ये देखो हाथी चढ़ा है। इसमें चढ़ने का क्या जरूरत है हाथी को देखो इसमें चढ़ता है किनारे से चढ़ता है क्या हो जाता है इसको कैसे चढ़ गया होगा इसमें बीच का पहाड़ में उधर तो कुछ नहीं है उधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है इसमें चढ़ के कहाँ बिठाया होगा हाथी। तो इसके बाद जब जहाँ हम आगे जाते हैं ना तो यहाँ पे इस ऐसी ही रास्ता है और रास्ते के जो इस साइड ना इस साइड बड़ा ही उसमें नदी जैसा पानी बहता है और पानी बहुत पानी जहाँ बहता है वो एक नदी नदी बहने जैसा स्थान जैसा पूरा गड्ढा हो रखा है और एकदम खाई जैसा बना हुआ है तो बड़ा ही विचित्र और डेंजर लगता है। चलो चलते हैं देखें भाई ज़्यादा अंदर घुसने के लिए ना हम लोग को डर लगता है इसलिए हम लोग भी नहीं जाएंगे। जून पता है इतना डर लगता है कि अगर दिख जाए ना अभी हाथी कहीं पे पता है भागने भी नहीं सकेंगे हम। गाइस ये है छींद यहाँ पे भी बहुत अधिक मात्रा में उगा हुआ है और यहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे चढ़ाई खेलने के लिए छींद सब काटने के लिए। बहुत ही सुनसान लग रहा है पूरा जंगल और यहाँ पूरा मैदान एरिया जैसे बन गया है इस तरफ पेड़ सब बना हुआ है यानी कि बहुत यहाँ का पेड़ सब कट चुका है और यहाँ पे एकदम मैदानी इलाका जैसा जगह बन चुका है ये जगह। ये टकलू को देखो क्या कर रहा है ए खिले नहीं करते खिले नहीं करते ए खुले में नहीं करते हैं क्या कर रहा है यार। इसको देख के कोई इंस्पायर मत होना ऐसा नहीं करना चाहिए खुले में क्या करता है मन क्या कर रहा था अभी क्या कर रहा था बता है क्या कर रहा था। तो गाइस ये बहुत गंदा बच्चा है ये पेड़ों को पानी पटा रहा था अभी जो अभी ठंड का मौसम है फिर भी अभी पानी पटा रहा था। बदला ले रहे हैं लोगों का मस्ती चल रहा है। जिस नदी का मैं बात कर रहा था वो नदी यहीं पे है और मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ ये बड़ा ही खाई वाला जगह में है तो उतर समय हो सकता है हम गिर भी सकते हैं तो यहीं से उतरते हैं। ये देखो यहाँ से उतरने वाला रास्ता है और यहाँ से हम उतरेंगे और वो देखो वहाँ पे पानी बह रहा है नहीं दिख रहा होगा यहाँ से आप लोगों को हम आप लोगों को नीचे जाके दिखाते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये इधर है खाई और यहाँ मैं उतरने वाला हूँ तो आप लोग देखो यहाँ से उतरने वाला रास्ता आ जाओ यहाँ पे तक उतरने बनेगा ना वहाँ तक ठीक है क्योंकि कैमरा मैन है आदमी कैमरा है बड़ा ही कठिन रास्ता ये और जाना बड़ा कठिन है और यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। तो गाइस ये है वो खाई और इसी खाई में बहता है पानी जो कि नदी यानी कि जंगलों से बह के आता है और शायद से ये पानी यहाँ का तालाब नहर और खेतों में चला जाता है और इसमें अभी फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा पानी है बरसात के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है और वो पानी जंगलों से आता है। अभी हम लोग उतरते हैं लेट्स गो। से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और ये है बहुत कठिन रास्ता जहाँ से हाथी भी नहीं चढ़ पाता है शायद से क्योंकि हाथी चढ़ जाता होगा क्या पता है देखो तो देखे थोड़ी ना है जो चलो नीचे चलते हैं। तो गाइस मैं अब आ चुका हूँ वाइड एंगल में आप लोग देखो यहाँ का नज़ारा यहाँ पे ये देखो यहाँ पे छोप दिए हैं यहाँ के ही लोग छोपे हैं यहाँ लकड़ी के लिए शायद से ये देखो इस पेड़ को यहाँ दिखा देखो दिखा ये पेड़ को यहाँ के कुछ लोग जो है डैमेज कर दिए हैं काट दिए हैं पता नहीं क्यों तो इस पेड़ काट के यहाँ पे देखो कितना सारा सूखा पत्ती यहाँ पे पड़ा हुआ है डैमेज किया गया है इस पेड़ को। तो इस तरह से आप लोग कभी ना करें जंगलों को नुकसान ना पहुँचाए क्योंकि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। चलो नीचे चलते हैं अभी ये वो जगह जहाँ का मैं बात कर रहा था बहुत ज़्यादा ऊपर में है वो ऊपर दिखा देना एक बार वहाँ पर
कितने ऊंचे जगह से हम लोग नीचे आए हैं और कैमरा मैन भी चल रहे हैं, इतना कठिन रास्ता है यहाँ पे उतरने के लिए। और ये देखिए यहाँ से पानी ऐसे आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं हम लोग। ये ऐसा लगता है कि ना बीचों बीच में गड्ढा है, किनारे किनारे बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके बीचों बीच में इतना बड़ा गड्ढा, इसमें पानी बहते हुए आ रहा है, बड़ा ही अच्छा लगता है। कारण कि यहाँ से इसमें जो पानी आता है वो बहुत ही प्योर होता है, पिछड़ा पानी आता है, पी भी सकते हैं इस पानी को, लेकिन वही ठंडा पानी है तो तबीयत खराब होने का डर रहता है इसलिए। लेकिन ये कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, बस साफ पानी ही मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जंगल में आते हैं घूमने के लिए आते हैं उनके लिए पानी का पूर्ति करता है, और जानवरों के लिए भी ये पानी पीने के लिए बनता है। तो गाइस हम लोग अभी नीचे उतर चुके हैं और हम लोग चलते हैं। अब कैमरा मैं ले लिया हूँ, और ये देखो यहाँ पे मस्त एकदम साफ पानी आ रहा है जिसको यहाँ पे पी रहे हैं। देखो अब यकीन हो गया ना, यहाँ पे बहुत ही साफ पानी आता है और इसे पिया भी जा सकता है, और ये बहुत ही ठंडा पानी है। वैसे तो ठंडा पानी है क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए पानी ठंडा होगा ही होगा। गाइस ये देखो यहाँ पे नहाने लायक भी मस्त जगह है, तो हम लोग अगर कपड़ा ला है नीला दिख रहा है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं पानी में, इसलिए यहाँ का जो पानी का रंग है ना हल्का नीला हो गया। इसमें छोटे छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, आप लोग कैमरे में नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि नहीं दिखेंगे इसलिए। और ये देखो यहाँ पे इतना पानी है कि यहाँ पे नहाया भी जा सकता है, लेकिन हम लोग कपड़े नहीं लाए हैं, नहीं तो हम नहा लेते। वहाँ से आता है पानी का जगह, और उस तरफ से इधर बहते बहते यहाँ से और यहाँ से खेतों की तरफ चला जाता है यह पानी। तो गाइस आई होप कि जो व्लॉग है जंगल व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई व्लॉग के साथ, तब तक लिए मिलो कनो और व्लॉग के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय। ये लोग लड़ाई रोकने का बहुत अच्छा तरीका है, वी कैमरा चालू करते शांत हो जाते हैं। मैं आज खाई से गिर गया कहूँ।